नहीं पता होगा बट प्रिंग मैंटिस के पास ब्यूटीफुल, तो इसे भी मैं छोड़ रहा हूँ ये बाइट करने की कोशिश। आज मेरा कैमरामैन जो है वो बहुत डरने वाला है। बहुत से लोग जब ये फॉरेस्ट में आते हैं तो इंसेक्ट से बहुत डरते हैं, बट लकीली इंडिया में ऐसा कोई इंसेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता जो आपकी जान ले सकता है। हाँ, हालांकि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो आपको कुछ पेन में डाल सकते हैं, बट अगर आप केयरफुल रहो तो कभी नहीं होता। इंडिया में जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो इस तरीके से अडाप्ट हुए कि जैसे उन्हें ह्यूमन दिखे, ह्यूमन इंटरफेरेंस उनके पास आए, वैसे ही वो भाग जाते हैं। वो आपके पर अटैक नहीं करेंगे। जैसे अगर एक एलिफेंट को आप ले लो, अगर एलिफेंट परेशान हो जाए तो एलिफेंट जो है वो चार्ज करेगा, एक लेपर्ड या एक टाइगर चार्ज करेगा, बट इंसेक्ट्स वो कभी नहीं करते। ओके गाइस, तो अभी हमें सबसे पहले ये बग मिला है एंड दिखने में ये बग बिल्कुल बिल्कुल किसी डेड लीफ की तरह दिखता है। जब मैंने इसे देखा तो मुझे पहले लगा कि ये कोई डेड लीफ है, फिर मैंने ध्यान से देखा, मुझे पता चला ये इंसेक्ट है। एंड अब मैंने इसे इस क्रीपर पर लिया है, बट जब ये मुझे मिला तब ये किसी लीफ के ऊपर था एंड मैंने लीफ के दूसरी तरफ से इसको देखा तो मुझे इससे उसके शेडोज़ दिख रहे थे। दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड इसके पैटर्न्स अपर साइड में एंड लोअर साइड में, दोनों ही साइड में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब अगर मैं इस बग को इस तरीके से टर्न कर दूँ तो नेचुरल एडाप्टेशन की वजह से ये बग अपने आप वापस नेविगेट करके ऊपर के डायरेक्शन में ही चलना चालू करेगा। एंड ये बहुत सारे इंसेक्ट्स में देखा गया है कि जब इंसेक्ट्स को आप हैंडल करते हो तो हमेशा इंसेक्ट्स अपर डायरेक्शन में ही चलते हैं, कभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाते। इसके एंटीनास मुझे बहुत अमेजिंग लगी है क्योंकि इसके एंटीनास के ऊपर भी एक कैमोफ्लॉज का टेक्सचर है। एंटीनास यूजुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रेट एंड पतले होते हैं इंसेक्ट्स में, बट इसके एंटीनास जो है वो मोटे से एंड आगे आगे फ्लैट हो जाते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वापस इसके कैमोफ्लॉज में उसको हेल्प करता होगा। अब एक बीटल है, राइनोसरस बीटल, एंड इसका जो अपीयरेंस है वो कुछ हद तक उस बीटल की तरह ही है, राइनोसरस बीटल की तरह, बट ये एक बीटल नहीं, एक बग है। तो अब हम इसे रिलीज करते हैं एंड देखते हैं हमें आगे और क्या मिलने वाला है। ये देख क्या मिला, प्रेइंग मैंटिस। यहाँ पे ये जो इतना दिख रहा है एक प्रेइंग मैंटिस है। मैं ट्राई करता हूँ अगर वो मेरे हाथ पे आ सके इजीली, तो वैसे प्रेइंग मैंटिस जल्दी से आ जाते हैं एंड बहुत ही इजी रहते हैं ये हैंडल करने के लिए। अब ये जो प्रेइंग मैंटिस है इनको बहुत लोग एज अ जंप वगैरह करने लग गया, कुंफू मैंटिस है ये तो। अब बहुत सारे लोग इन प्रिंग मैंटिसेस को प्रेडेटर मानते हैं एंड कार्निवरस इंसेक्ट जैसे भी इनकी तरफ देखते हैं, जो कि ये है, बट प्रिंग मैंटिस ह्यूमंस के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं। आप देख सकते हो मेरे हाथ पे, दिखने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं एंड ये एंगल देखिए आप, प्रिंग मैंटिसेस किसी भी एंगल में ऑलमोस्ट सर्फेस पे स्टिक कर सकते हैं। ये मेरा हाथ है, अगर ये लीफ होता तो भी प्रिंग मैंटिस ये कर पाता। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा बट प्रिंग मैंटिस के पास डरमन मैं वापस ले रहा हूँ उसे। एंड ये प्रेइंग मैंटिस बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला है। मेरा तू डर गया ना पीछे, ओके नो प्रॉब्लम। प्रेइंग मैंटिस जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ मतलब ह्यूमंस को ये हार्म नहीं कर सकते, ह्यूमंस के लिए डेंजरस नहीं होते। प्रेइंग मैंटिस हमें बाइट नहीं कर सकते, एंड जब मैं कहता हूँ बाइट नहीं कर सकते, ये वापस एक बार जंप मारने वाला है, जब मैं कहता हूँ बाइट नहीं कर सकते तो हमारी जो स्किन है, और ये वापस से वही कर रहा है, ये प्रेइंग मैंटिस जंप करते रह रहा है। बाइट नहीं कर सकते उसका मतलब ये होता है कि इनके जो जॉज होते हैं वो हमारे स्किन को ब्रेक नहीं कर सकते एंड इसीलिए इन्हें हैंडल करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। प्रेइंग मैंटिसेस दुनिया में रखे जाने वाले वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेट्स में से एक है एंड इसका रीज़न ये है कि प्रेइंग मैंटिस ज़्यादा ज़िंदगी जीते नहीं, एक ही साल जीते हैं, पर जितनी भी ज़िंदगी जीते ये बहुत ही ईजी होते हैं हैंडल करने के लिए, बहुत ही ईजी होते हैं इन्हें मेनटेन करना कुछ केसेस में। हाँ बबर मत ये इधर आ जा, इस प्रिंग मैंटिस को मेरा कैमरा पसंद आ गया है एंड ये बार बार ओके। तो मुझे लगता है कि मुझे इस प्रिंग मैंटिस को सताना नहीं चाहिए, मैं इसे यहीं पे रिलीज कर रहा हूँ।
अब मैं ट्राई करूंगा कि मुझे और एक कोई प्रिंग मेंटस मिल सके एंड हम उसकी कोशिश करेंगे। पहले मैं इसे थोड़ा साइड में रख देता हूँ। आज का दूसरा प्रिंग मेंटस, तो ये यहाँ पे भी एक मेंटस मुझे मिला है एंड कंपेरेटिवली ये मेंटस थोड़ा ज़्यादा स्टेबल भी है। होपफुली ये जंप ना मारे एंड बट मुझे ना ये मेंटस बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये मेंटस अपनी स्किन शेड करने वाला है क्योंकि इस मेंटस का यहाँ पे एक पैर है जो टूट गया है। बट जो मेंटसेस होते हैं वो अपने लिम्स को रीग्रो कर सकते हैं, तो जिस तरीके से स्नेक अपने स्किन को शेड करता है उसी तरीके से इंसेक्ट जो होते हैं वो भी अपने स्किन को शेड करते हैं। एंड जब ये शेड करते हैं तो उस वक्त अगर उस इंसेक्ट का कोई लिम्ब टूट गया है, हाथ पैर कुछ भी अगर उसका ख़राब हो गया है, टूट गया है, इनफैक्ट अगर उनकी आँखें भी डैमेज हो गई है, तो उस प्रोसेस में जहाँ पे ये अपनी स्किन चेंज करते हैं, ये अपने बॉडी पार्ट्स को रीग्रो कर सकते हैं। तो ये जो प्रेइंग मेंटिसेस होते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि इन प्रेइंग मेंटिसेस के पास दो कंपाउंड आइज रहती है, बट फैक्ट ये है कि प्रेइंग मेंटिस के पास दो नहीं, पाँच आँखें रहती है। तो प्रेइंग मेंटिसेस के पास दो कंपाउंड आइज रहती है एंड उसी के साथ तीन बेसिक आइज रहती है जो उनके एंटीना के बिल्कुल पास में रहती है। उसी के साथ साथ प्रेइंग मेंटिस इकलौता ऐसा इंसेक्ट है पूरे इंसेक्ट वर्ल्ड में जो 180 डिग्री में अपने हेड को टर्न कर सकता है। आज मेरा कैमरामैन जो है वो बहुत डरने वाला है क्योंकि ये प्रेइंग मेंटिसेस बहुत ज़्यादा जंप कर रहे हैं आज। यूजुअली नहीं करते इतना, बट पता नहीं क्यों, बट उन्हें वो कैमरा जो है वो बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है आज। ओके गाइस, तो अभी मुझे लगता है कि मुझे स्प्रिंग मेंटस को रिलीज़ कर देना चाहिए। एंड ये जो पोज आप देख रहे हो प्रिंग मेंटस का, रेनी सीजन में प्रिंग मेंटस इसी तरीके से बैठे होते हैं बारिश के बूंदों से बचने के लिए। एंड जब बारिश चली जाती है तो वापस ये लीफ के ऊपर आ जाते हैं। अब प्रिंग मेंटस जो है वो अगर आप ढूंढना चाहते हो तो प्रिंग मेंटस कभी भी आपके आई लेवल के ऊपर नहीं रहते, यूजुअली आपके आई लेवल के नीचे ही रहेंगे। एंड जब जितनी बार मुझे प्रिंग मेंटसेस मिले तब तब वो उसी लेवल पर रहे। ओके कूल, तो अभी हमें इसे रिलीज कर देता हूँ। ओके, अभी जो मुझे नेक्स्ट मिला है वो मिला है ये जंपिंग स्पाइडर एंड ये काफ़ी अच्छी साइज़ है जंपिंग स्पाइडर की, हैवी भी है एंड आप देख सकते हैं इसे जंपिंग स्पाइडर की बुलाते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से जंप कर सकते हैं, इस तरीके से आप उन्हें अपने हाथ में हैंग भी कर सकते हो। ये स्पाइडर्स मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं क्योंकि ये अपने पीछे जब भी वेब छोड़ते हैं जंप करने के टाइम, उस वेब को अगर अपने बराबर टाइम पे पकड़ लिया तो आप इन्हें हवा में हैंग कर सकते हो, फिर अपने हाथ पे या किसी पत्थर पे या किसी पत्ते पे इन्हें लैंड कर सकते हो। एंड बहुत ज़्यादा अजाइल भी रहते हैं, आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा अजाइल रहते हैं। इनसे तो मत डरिए यार, ये स्पाइडर्स सबसे ज़्यादा क्यूट स्पाइडर्स होते हैं। वैसे दिखने में सबसे हॉरिफाइंग यही वाले होते हैं बट बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं ट्राई करता हूँ अगर मुझे उसकी वेब पकड़ने मिले। ओ ये देखो इस तरीके से हाँ बिल्कुल इस तरीके से आप उसकी वेब पकड़ सकते हो। तो अब मैं इसे रिलीज कर देता हूँ। ओके गाइस, तो अब जो मुझे लास्ट चीज़ मिली आज की वो है ये छोटा जुवेनाइल कैलिटस लिजर्ड। अब इंडिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें इग्वानास पसंद है बट बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ये जो कैलिटस लिजर्ड है ये जब बड़ी हो जाती है, ये छोटा है अभी, जब बड़ा हो जाता है तो दिखने में बिल्कुल किसी इग्वाना की तरह दिखता है। इसका कॉमन नेम गार्डन लिजर्ड है एंड ये बहुत ही इन्वेसिव स्पीसीज है। इनफैक्ट ये स्पीसीज हर जगह देखने मिलती है। अब ये जो स्पीसीज है ये डायर्नल है, जिसका मतलब ये डे टाइम में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर आप रात में इन्हें देखोगे तो रात के वक्त ये जो लिजर्ड्स है वो सोए रहते हैं एंड लिजर्ड्स जो होते हैं उनके पास तीत नहीं रहते, उनके पास एक जॉ जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, सिमिलर टू किसी टर्टल। बट कुछ लिजर्ड्स के पास बहुत ही छोटे टीत रहते हैं जो सिर्फ इसलिए हेल्प करते हैं कि वो लोग किसी भी इंसेक्ट पे या जिस भी चीज़ पे वो लोग फीड कर रहे हैं उस पर अपनी ग्रिप बनाए रखे, ठीक है। एंड बहुत दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल, तो इसे भी मैं छोड़ रहा हूँ एंड ये बाइट करने की कोशिश। बट आप देख सकते हो कि ह्यूमंस को इसकी बाइट लगती नहीं है। ओके, तो मैं अभी इसे रिलीज़ कर देता हूँ यहाँ पे। तो ह्यूमंस को उसकी बाइट लगती नहीं है एंड उसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म हो जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी मेरे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। सो विद दैट सेट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लॉन्ग लिव नेचर।
बाय।